महाराष्ट्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में आज राज्य के दिग्गज नेताओं का नामांकन है। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, यानी कि नामांकन में अब बस 2 ही दिनों का समय बचा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन किन नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुंबई की ठाणे विधानसभा सीट से शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ठाणे मुंबई की प्रमुख विधानसभाओं में से एक है। शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद से अब राज्य में उद्धव की यूबीटी और शिंदे की शिवसेना के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। अब अगला नाम अजित पवार का है। अजित पवार का भी महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा है। बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अमित ठाकरे ने माहिम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो राज्य में सपा का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से अबू आजमी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से ही नवाब मलिक चुनावी पर्चा भर सकते हैं। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी चुनावी रेस में शामिल है। सना मलिक ने अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सना के सामने शरद पवार वाली एनसीपी के फहाद अहमद को उतारा गया है। फहाद फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति हैं और वह कुछ दिन पहले ही शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए थे। अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र चुनाव की महालड़ाई का चुनावी गणित। एक तरफ नामांकन के लिए गिनती के ही दिन बचे हैं, तो वहीं अब तक महायुति ने 288 में से 235 जबकि महाविकास आघाड़ी ने 288 में से 260 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, जिनमें बीजेपी 121, शिंदे की शिवसेना ने 65 और अजित पवार की एनसीपी ने 49 कैंडिडेट का ऐलान किया है। तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 99, शिवसेना यूबीटी ने 85, शरद पवार की एनसीपी ने 76 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अब टिकट बंटवारे को लेकर जो भी फाइनल होना है उसके लिए आज और कल 2 दिन बचे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। उससे पहले पार्टियों को अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल करने होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।